हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि बच्चों को मोटिवेट करना क्यों जरूरी है। जिस तरह हर एक इंसान को, चाहे वो बड़ा है या फिर छोटा है, उसको मोटिवेट करना जरूरी होता है, उसी तरह छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए। क्यों? अब बात ये आती है कि हम कब अपने बच्चों को मोटिवेट करें। टाइम तो उतना रहता नहीं है, बच्चे तो 5 घंटा स्कूल में रहते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस जाते हैं, फिर घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, सो जाते हैं। तो पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ बच रहा है। और पेरेंट्स भी ना बहुत बिजी होते हैं अपने काम में, अपने बच्चों को टाइम भी बहुत कम दे पाते हैं। तो ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है बेसिकली, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो आगे चलकर बहुत अच्छा करे, किसी अच्छे फील्ड में जाए, कोई गलत रास्ता ना अपनाए, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे पे ज्यादा से ज्यादा वक्त देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं देंगे और उसके बाद भी वो बहुत अच्छा कर लेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपसे गलती हो रही है। तो सबसे पहले तो इस चीज को खत्म करना है, कोशिश करना है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। अब रही बात उनको मोटिवेट कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों को ना किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है, चाहे वो अच्छी चीजें हैं चाहे वो बुरी चीजें हैं। जो काम वो करते हैं अगर उसमें उनको अच्छा लग रहा है, तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है, हम ये करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को मोबाइल में गेम खेलना बहुत पसंद है। तो क्यों पसंद है? क्योंकि वो काम उनको अच्छा लग रहा है। इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या लॉस है, ये उसको नहीं पता, लेकिन उस काम को उसको करने में अच्छा लग रहा है, तो वो उस चीज़ को करेगा, है ना। अब कोई बच्चा ऐसा है, जब वो पढ़ाई करता है तो उसको बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो उसको कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो वो काम नहीं करता, उसको उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता, तो उस काम को नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चे उन्हीं काम को करते हैं जिसमें उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को हर एक चीज के बारे में उनके इम्पोर्टेंस को बताइए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अभी हर कुछ सही तरीके से बताते हैं तो वो सही चीज समझेगा, और अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा, वो वही चीज समझेगा जो वो खुद से समझ रहा है, जो कि वो गलत भी हो सकता है। क्यों आज के टाइम पे बच्चों में बुरी आदतें आ रही है? क्योंकि हम पेरेंट्स उनको ध्यान नहीं देते, उन पर ध्यान नहीं देते, हम उन्हें किसी भी चीज के वैल्यू उसको नहीं समझाते। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप अपने बच्चों को हर एक चीज के वैल्यू उसको बताइए, उनको बताइए कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, उनको बताइए कि क्या चीज करने से उनको फायदा है, क्या चीज करने से उनको नुकसान, कौन सी चीजें उनको बेहतर इंसान बनाएगी और कौन सी चीजें उसे बुरा इंसान बनने से रोकेगी, ये सारी चीजें बताइए, ठीक है। अब समझाएंगे कैसे, ये तरीका आपका होगा, वो आप अपने से सोचेंगे कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को समझाना है, ठीक है। तब क्या होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे। और अगर आप चाहें तो उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाइए जिससे, जिसको देखकर उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आए कि हाँ, ऐसा अगर हम करेंगे तो लाइफ में हम ये काम कर सकते हैं। आप इन सारी चीजों को कर देखिए और रिजल्ट देखिएगा कितना बेहतरीन होता है। धीरे धीरे, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें तुरंत सुधार होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप जब तक उनको समझा रहे हो एक कान से वो सुनेंगे, थोड़ी देर के बाद वो दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन आपको इस चीज पर अमल करना है, रेगुलर उनको मोटिवेट करना है, रेगुलर उनके लिए ऐसा माहौल घर में बना करके रखना है जिससे हर तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं रखे जिससे बच्चे इफेक्टेड हो, बैडली इफेक्टेड हो। आप अपने घर में हर तरफ कुछ पॉजिटिव चीजें रख सकते हैं, घर पे मैप्स रख सकते हैं, वो सारी चीजें रख सकते हैं जो बच्चों को ज्यादातर काम आती। इनसे क्या होगा, वो उन सारी चीजों को देखेंगे
और उनसे कुछ इंस्पायर होके वो खुद वो किसी काम को करेंगे। आप ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को कुछ मोटिवेशनल को बातें बताएं, कुछ वैसे लोगों की कहानियां बताएं जिनके लाइफ में मेहनत करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट है। बच्चों को ये बताएं कि मेहनत कितना इम्पोर्टेंट होता है, बिना मेहनत के हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। अगर अभी से ही हम मेहनत करेंगे तो आगे चलकर हम बहुत अच्छा करेंगे। ये चीज आपको अपने बच्चों के दिमाग में डालनी तो वो अच्छा कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको जो बताया आप उस चीज को फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको मेरे थॉट्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।